टीपी का मतलब होता है, यहां पर देखिएगा ये पैसेंजर से होता है और यहां पर अगर जी लिखा हुआ है तो ये पैसेंजर वाली गाड़ी के लिए और ये गुड्स यानी कि माल वाली गाड़ी के लिए होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें जो आपका स्पीड लिमिटेशन होता है इसके बारे में बताया जाता है। तो इसको जो है लगभग 800 मीटर पहले इस सिग्नल बोर्ड को लगाया जाता है टीपी और टीजी वाले को। तो इससे संकेत क्या मिलता है कि जहां पर ये पैसेंजर गाड़ी या गुड्स गाड़ी होगी ये बताएगी, ये बोर्ड ये बताएगा कि आप जहां पर बोर्ड से आगे जब हम निकलेंगे तो गाड़ी की जो लिमिटेशन होगी यानी कि स्पीड लिमिटेशन, वो प्रतिबंध जो उस पर होगा वो खत्म हो जाएगा और हम अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज कर सकते हैं। यानी कि इससे पहले बोर्ड से पहले एक लिमिटेशन होती है कि इतनी तेज में आपकी गाड़ी जो होगी वो चल सकती है और जब इस बोर्ड को क्रॉस करती है, बोर्ड जब लिखा हुआ जहाँ से होता है वहां से फिर कोई प्रतिबंध नहीं होता है गाड़ी के चलने पर, गाड़ी की स्पीड को फुल स्पीड हम कर सकते हैं इस बोर्ड को देखने के बाद में। तो ये हो गया आपका टीपी और टीजी। जहां पर टीपी लिखा होगा इसका मतलब वो पैसेंजर वाली गाड़ी उस रेलवे ट्रैक से जा रही होगी और जहां पर टीजी लिखा होगा वो माल वाली गाड़ी के लिए कि अब आपके लिए रास्ता साफ है और आप यहां से तेजी के साथ में अपनी फुल स्पीड में जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया टीपी और टीजी।